तो यहां पे आपसे पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। यदि पासवर्ड मांगा जा रहा है तो आप हमें जल्दी से कमेंट करो, उसका आपको हम रिप्लाई देंगे, और उससे आप जैसे ही अप्लाई करोगे एक कोड, तो उस कोड के बाद आपका यहां पे पासवर्ड नहीं मांगेगा। सो हे गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपने आज के थंबनेल को देखा, जहां पे मैंने आपको बताया है और वहां पे डायरेक्ट मेंशन भी है, यदि आपके पास ओप्पो का A3S है या दूसरा A5S है या तीसरा A37 है या चौथा A15 या फिर पांचवा A5, छठा A9 या फिर आपके पास ओप्पो का कोई भी हैंडसेट है A15 वगैरह, और आप चाहते हो कि इस वीडियो को देख के आप अपने ओप्पो के इस तरह के लगे हुए पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक को आप घर बैठे अनलॉक कर पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा बिना कंप्यूटर बिना हार्ड रिसेट का इस्तेमाल किए हम यहां पे कैसे अपने हैंडसेट को अनलॉक करेंगे, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी आप स्किप करके मत देखना, वरना आप अपने मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाओगे और फिर हमें कमेंट करोगे सर ये वीडियो काम नहीं आई। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा कि वीडियो को एक बार देखना है और पेशेंस के साथ देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग आज के इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देखो, सबसे पहली बात, जब भी आपका मोबाइल लॉक हो जाए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, और जो भी मैं बताऊं आपको सेम स्टेप अपने मोबाइल में अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, अपने मोबाइल की बैटरी को आप सबसे पहले पूरी तरह से चार्ज कर दोगे, कम से कम 50% या उससे ज्यादा। उसके बाद अपने हैंडसेट में से आप सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड यदि आपने लगाया हुआ है तो उसे जल्दी से निकाल लो बिना टाइम वेस्टिंग। अब आपको मेन काम करना है, क्या करना है आप यहां पे देख लो, पासवर्ड आपका यहां पे लॉक लगा हुआ है। आपने जरूर पहले भी ट्राई किया होगा, कोई भी पासवर्ड आप यहां पे ट्राई करोगे कोई फायदा नहीं होगा, तो उस केस में क्या करोगे, सबसे पहले अपने हैंडसेट को आप पावर ऑफ कर दोगे। क्या करोगे, पावर ऑफ यानी कि स्विच ऑफ, इस तरह से, बहुत इजी स्टेप है ना। अब जब ये पावर ऑफ कंप्लीटली हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे हार्ड रिसेट वाले पेज पे लेके जाना है। आपने यदि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी आपका वहां पे काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं यहां पे आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, यदि आप पहली बार जानते हो कि हार्ड रिसेट कैसे ओपन करना है, तो उसके लिए बता दूं, यदि आपके पास ओप्पो का हैंडसेट है तो आपको वॉल्यूम बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ यहां पे प्रेस करना है, एंड थोड़ा देर के लिए आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। जैसे ही आपको लोगो दिखेगा, आप जब तक आपको नया पेज ना देखे आप अपने फोन्स को हाथ को नहीं हटाइएगा, ठीक है, बहुत इजी स्टेप है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा, जैसे ही आपको देखने को मिलेगा आप अपनी उंगली को वहां से इस तरह से हटा दोगे, ठीक है। अब यहां पर देखो दोस्तों, एक लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है आपका जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है आप उसे टच कर लेना। अब यहां पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन। तो यहां पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहां पे जो फॉर्मेट डेटा का ऑप्शन है उसे आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, आपके पास यदि ओप्पो का हैंडसेट है तो यहां पे आपसे पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। यदि पासवर्ड मांगा जा रहा है तो आप हमें जल्दी से कमेंट करो, उसका आपको हम रिप्लाई देंगे, और उससे आप जैसे ही अप्लाई करोगे एक कोड, तो उस कोड के बाद आपका यहां पर पासवर्ड नहीं मांगेगा, सीधे आपका ये वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगा जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो ये जो कोड है ना, ये है यहां पे 5892, लेकिन ये कोड वेरिएबल है, जब भी मैं इसे दोबारा से भी ओपन करूंगा आपके फोन में भी ये अलग अलग दिखाएगा। जैसे कि अभी दोबारा से देखा आपने, एक नया कोड हमें देखने को मिल रहा है, और ये कोड क्या है, 7070। फिर से खोलूंगा, फिर से एक नया कोड देखने को मिलेगा, यानी कि हमें सिर्फ ये कोड डालना है और आपका मोबाइल यहां पे अनलॉक हो जाएगा। अब कैसे अनलॉक होगा, चलो डिटेल में जानते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये कोड यहां पे इंटर करना है, तो इंटर करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है 8758, और उसके बाद आपको यहां पे कंफर्म करने को कहा जाएगा। क्या कंफर्म करना है, फॉर्मेट करना है कि नहीं करना है। तो जी हां, हमें फोन को अनलॉक करना है, घबराइए नहीं, आपका डेटा सारा वापस आ जाएगा, आपको डेटा के लिए आपको घबराना नहीं है। अब यहां पे सिंपली आप इसे फॉर्मेट पे क्लिक कर दोगे, जैसा जैसा मैं करता जाऊं वैसा वैसा आप भी अपने हैंडसेट में करते जाइए। अब देख रहे हैं, अब यह हैंडसेट फॉर्मेट भी हो गया, देख रहे हैं ना, डेटा फॉर्मेटेड यहां पे मैसेज मिल गया। और जैसे ही हम यहां पे ओके पे क्लिक करेंगे, आपका यह हैंडसेट रीस्टार्ट मोड में चला जाएगा, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, और यहां पे कुछ टाइम लगेगा। तब तक मैं वीडियो को यहां पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, मैंने पहले ही कहा आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, वरना आप अपने मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आगे, तो वीडियो को मैं यहां पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं।
और दोस्तों यहां पे देखिए आपका हैंडसेट यहां पे अब सक्सेसफुली जो है वो यहां पे आपका अनलॉक हो चुका है, यानी कि आपका अब यहां पे गूगल एफआरपी लॉक यहां पे देखना पड़ेगा कि अब आपका यहां पे लगा कि नहीं, अब इसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहीं पे मैक्सिमम लोग आके फंस जाते हैं और अपने हैंडसेट को वो अनलॉक नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते चलिए जानते हैं और उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। अब यहां पे सिंपली इसे हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करते हुए यहां पे हम जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद देखेंगे और समझेंगे कि यहां पे प्रॉब्लम कहां है। तो यहां पे आपको अपने कंट्री को ओपन करना है और उसे यहां पे खोज के आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे नेक्स्ट पे जो है वो कंटिन्यू कर दीजिएगा, ओके। इसके बाद आपको जितने भी यहां पे चेक मार्क्स हैं सबको ओके करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहां पे जो है वो मेन काम आ जाता है, क्या जाता है देख आप यहां देख सकते हो, कनेक्ट टू वाईफाई। और यहां पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि आपके घर में वाईफाई नहीं है कोई बात नहीं, आपके घर में कोई किसी और फैमिली का यदि मोबाइल है तो उससे आप यहां पे हॉटस्पॉट ले लो और उसके बाद आप यहां पे इसे कनेक्ट कर लो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जो वाईफाई है मैं जो मेरे घर पे उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और जब तक आप ये काम नहीं करोगे आपका एफआरपी बाईपास लॉक नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पे देखना एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है और इस पे आपको फोकस करना है। देखिए क्या लिखा है, दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स। क्यों भाई इतना टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका गूगल एफआरपी का जो बाईपास का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में इंस्टॉल होगा, उसके बाद आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे अनलॉक होगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को बिना स्किप किए, तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के सीख सकते हैं और आप हमारे सब्सक्राइबर भी कहला सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे हम आपको स्मार्टफोन के मास्टर बनाने का काम करते हैं, जिसे आपको अच्छे से देखना है और उसे सीख के अपने मोबाइल को अनलॉक करना है। बारीकी से देखिए क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना अपने स्मार्टफोन को यूज करना तो जानते हैं लेकिन उसे रिपेयर करना नहीं जानते। और देख सकते हैं दोस्तों आपका यहां पर जो इंस्टॉलिंग अपडेट्स आ रहा है, इसका मतलब कि आपके हैंडसेट में जो बाईपास एफआरपी है वो यहां पे वर्क करना शुरू कर चुकी है। और जैसे ही आपका नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि आपका किस तरह से एफआरपी बाईपास हो गया है, आपका जो हैंडसेट है वो अनलॉक होने के लिए रेडी है। और यहीं पर आपको थोड़ा सा केयरफुली आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप समझदार हैं तो आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, यहां पे आप वीडियो को स्किप करके नहीं देख सकते यदि आपको कुछ सीखना है तो। और आपको तो पता है हमारा चैनल लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर करता है और आपको स्मार्टफोन का मास्टर बनाने का काम करता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है वरना आप बड़ा मिस्टेक कर जाएंगे और इस वीडियो को देख के भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको कुछ यूनिक और बेस्ट चीज मिलनी चाहिए जो कि हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कभी भी स्मार्टफोन एक आदमी के लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता यदि वो न जाने, तो जानिए सीखिए और इसे अपने मोबाइल में आप अप्लाई कीजिएगा, आपका हैंडसेट अनलॉक होगा। आप देख सकते हैं जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स का जो मैसेज है वो हमें यहां पे देखने को मिल चुका है दोस्तों। और किसी भी क्षण किसी भी पल यहां पे आपका हैंडसेट अनलॉक होगा और वो भी चुटकी में होगा, बिना किसी डेटा लॉस के होगा जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो। और आपका यदि कोई डेटा लॉस होगा भी तो उसे आपको कैसे वापस लाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा और उसे अप्लाई करके आपके सामने ही मैं उसे दिखाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ के सीख के अपने लॉक मोबाइल में अप्लाई कर सकें और अपने हैंडसेट को आप अनलॉक कर सकें। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनके लिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कॉपी ऐप्स एंड डेटा का जो मैसेज है वो आ चुका है। यदि आपको अपने डेटा को कॉपी करना है तो सिंपली आप नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपने पुराने डिवाइस का आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन आपको यदि ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल है आपका हैंडसेट, तो इसे आपको ओके करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों अब आपको मेन काम करना है, यानी कि अब आपका ऑलमोस्ट जो है वो काम 80% से 90% तक हो चुका है। किसी भी पल हम आपके हैंडसेट को यहाँ पे अनलॉक करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे सर्विस सेंटर में इस तरह के हैंडसेट कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, डे बाय डे आते रहते हैं और हमारी पास जो टीम है वो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके लिए आपके मोबाइल को रिपेयर करती है ताकि आप भी अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकें। अब यहाँ पे आपसे गूगल आईडी मांगा जाएगा, याद रखिए यदि आपको पासवर्ड याद है, आपको अपना जीमेल आईडी याद है तो आप यहाँ पे इंटर करके आगे जाओगे तो आपका डेटा भी वापस आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे स्किप पे क्लिक करोगे अगेन एंड यहाँ पे आप मोड पे क्लिक करके इस तरह से एक्सेप्ट पे क्लिक कर दोगे। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाना है तो अभी लगा लो, नहीं तो बाद में जाके सेटिंग्स से लगा लेना, स्किप आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसे आपको सबको अनचेक करना है,
क्योंकि फालतू के आपको ये सारे एप्लीकेशन आपके हैंडसेट में इंस्टॉल होने लगेंगे और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो हैंडसेट है दोस्तों वो अब यहाँ पे अनलॉक ऑलमोस्ट हो चुका है। अब देख सकते हैं गेटिंग योर फोन रेडी एंड यहाँ पे ओप्पो का जो अकाउंट है इसमें आपको लॉगिन नहीं करना, कभी भी भविष्य में भी आप करना नहीं है। और यहाँ बटन्स को आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें एंड यहाँ डन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको वेलकम का जो मैसेज है वो मिल जाएगा और इसका मतलब होगा कि आपका हैंडसेट यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका मोबाइल यहाँ पे आपके सामने ही घर बैठे अनलॉक हो गया इस तरह से। और इस तरह से आप ओप्पो के किसी भी मॉडल को, जो भी मैंने आपको नाम बताया, सिर्फ उतना ही नहीं ओप्पो के आप किसी भी हैंडसेट को घर बैठे अनलॉक कर पाएंगे, वो भी चुटकियों में दोस्तों इस तरह से। और देख सकते हैं दोस्तों आपका मोबाइल तो अनलॉक हुआ है, आपके जो डेटा है वो भी आप रिकवर कर सकते हैं। यदि आपको रिकवर का एक वीडियो चाहिए स्पेशल तो आप हमें चैनल पे सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करो इसी वीडियो के नीचे, ताकि हम आपके लिए रिकवरी का जो वीडियो है वो भी ला सकें। और यदि आप चाहते हो कि हमारी टीम आपके मोबाइल को आपके सामने लाइव वीडियो कॉल पे अनलॉक करे तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करोगे हमारे टीम की तरफ से 10 मिनट के अंदर आपको एक लाइव व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हमारी टीम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ अगले 10 मिनट के अंदर आपके मोबाइल को आपके ही सामने अनलॉक करके दिखाएगी, सिखाएगी। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ज्वाइन जरूर करें दोस्तों।